हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी टी ए मोड प्लेस डॉट कॉम यूट्यूब चैनल और जी टी ए मोड प्लेस डॉट कॉम वेबसाइट की जानिब से मैं हूं मोहम्मद वकास कमर। आप देख रहे हैं जी टी ए मोड प्लेस डॉट कॉम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सब लोगों को वेलकम कहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी टी ए सैन एंड्रीज पिंक सिटी मोड के बारे में, कि हमने उसको कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसको अपनी पीसी पर जो है वो प्ले करना है। तो दोस्तों, अपने वीडियो की जानिब चलने से पहले मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपके ईमेल पर मिल जाएगा। मैं जानता हूँ दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब बेसिकली मैंने 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी और 5 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो थोड़ा बिजी था, इस वजह से जो है वो रूटीन थोड़ी सी आउट हुई हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी हमारी आपको पसंद आएगी। तो चलिए हम इसके इंस्टॉलेशन का मेथड जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं। जब आपने गेम डाउनलोड कर लेनी है, डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस फाइल में आएगी। आप देख सकते हैं WinRAR की फाइल होगी। आपने इसको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें, आपके पास आपकी गेम जो है वो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। हमारे पास फोल्डर जो है वो आ चुका है। आई थिंक आपको जैसे कि मैंने बता दिया 2.8 GB की गेम है, तो ये एक्सट्रैक्ट होने में भी थोड़ा टाइम लेगी। तो मैं इतनी अपनी वीडियो को जो है वो पॉज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हमारी एक्सट्रैक्टिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से जैसे ही आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगी गेम, तो आपने क्या करना है, सिंपली फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक फोल्डर नज़र आ रहा होगा, दो फाइल्स होंगे आपके सामने। आपने क्या करना है, रीड मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह रीड कर सकते हैं, मेरी साइट की और लिंक्स वगैरह। आपने सेटअप वाली फाइल पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास येस और नो का एक पॉपअप बॉक्स जो है वो शो हो जाएगा। ये देखें, जैसे ही मैंने येस किया तो हमारे पास जो है वो गेम का सेटअप जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि फर्स्ट, और उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है, यहाँ से फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट। यहाँ से आपसे वो आपका डेस्टिनेशन फोल्डर मांग रहा है। आपने क्या करना है, ब्राउज पर क्लिक करना है जहाँ पर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं इसको दिस पीसी में एफ ड्राइव में सेलेक्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। आपके पीसी में जो है वो एटलीस्ट 11 GB जो है वो स्पेस होनी चाहिए। उसके बाद आपने यस कर देनी है, यस कर देना है, फिर यस, ओ सॉरी नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, हमारे इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से आपने सिंपली अनटिक करना है और अनटिक करने के बाद फिनिश पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करोगे, आपके पास जो है वो डेस्कटॉप पर ये देख सकते हैं दो आइकन्स आ चुके हैं, सैन एंड्रीज पिंक सिटी विन 10 और सैन एंड्रीज पिंक सिटी विन 7। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रिटर्न उसी फोल्डर में आना है और ग्राफिक्स क्वालिटी के अंदर जाने के बाद आपके पास कुछ 5 फोल्डर होंगे। यहाँ एक हाई पीसी होगा, लो पीसी, मीडियम पीसी, वेरी हाई और वेरी लो। तो आपने अपने पीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो इस गेम को सेटअप करना है। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा ग्राफिक्स वाला पीसी है, जिसने यानी कि वीडियो कार्ड भी है जो 2 to 3 GB का जो है वो HD ग्राफिक्स सपोर्ट करता है, अगर तो आपने जो है वो हाई को यूज़ कर लें। अगर इससे भी आपका जो है वो अपर का पीसी है तो वेरी हाई को यूज़ कर लें। यहाँ से हाई ग्राफिक्स वाला मैं वेरी हाई नहीं डालूंगा, बिकॉज फिर वो मेरे पास जो है वो लैग होगी। तो इसीलिए मैंने क्या करना है, हाई पीसी को सिलेक्ट करता हूँ मैं। अगर आपके पास क्वालिटी का लो पीसी है, यानी कि डुअल कोर वगैरह है और उसमें ग्राफिक्स कार्ड भी बस मिनिमम क्वालिटी का लगा हुआ है, तो आपने जो है वो वेरी लो या मीडियम पीसी को यूज़ कर लेना। लो या मीडियम को आप यूज़ कर लें, अगर उससे भी कम है तो आप वेरी लो को यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है वो हाई पीसी को कॉपी करता हूँ और जहाँ पर मैंने अपनी गेम इंस्टॉल किया वहाँ पर उसी फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से रिप्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, आपकी पूरी गेम जो है वो सेटअप हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपको जो डेस्कटॉप पर दो फाइल्स दी गई हैं ये देख सकते हैं। अगर आपके पास विंडो 10 है, जैसे कि मेरे पास विंडो 10 इंस्टॉल है, तो मैं अपनी जो है वो विन 10 वाली फाइल को रन करूँगा। अगर मैं आपके पास विंडो 7 है तो आप विंडो 7 वाली से रन करेंगे। याद रखें, अगर आपके पास विंडो 10 है तो आपने राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके फिर गेम को जो वो रन करना है, ये याद रखिएगा। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और सबसे पहले वीडियो को जो वो लाइक कर दें।
तो दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अगर आपको इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं यानी कि कोई एरर वगैरह आ रहे हैं तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि आपको कौन सा इशू आ रहा है। आई होप मैं आपका इशू जो है वो फिक्स करने की फुल कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।